आज हम बना रहे हैं शेवपुरी सैंडविच। ये बॉम्बे की मशहूर सैंडविच की रेसिपी है। इसमें हम खट्टी मीठी चटनी और वेजिटेबल्स के साथ शेवपुरी की पूरी का भी यूज कर रहे हैं। तो चलिए सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं, साथ ही मैंने हरी चटनी ली है और ये मैंने रेड कलर की चटनी ली है। तो ये दोनों चटनियों के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो इंग्रेडिएंट्स को आपने पीस लेना है तो आपकी ये चटनी बन जाएगी। इसी के साथ मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है, उसे मैंने चॉप कर लिया है। ये मैंने कुकुम्बर को भी चॉप करके ले लिया। ये टमाटर लिया है। इसी के साथ मैंने ये इमली और खजूर की चटनी ली है। यहाँ पर मैंने कुछ आलुओं को बॉईल करके इस तरह से मैश कर लिया है। एक बड़े प्याज को मैंने इस तरह से चॉप करके रखा है। हमने यहाँ पर दो चीज के क्यूब्स लिए हैं, अमूल की चीज है। इसी के साथ मैंने बटर लिया है, अमूल बटर। उसी के साथ ये पापड़ी है, ये मैंने लिए हैं, हम आज के सैंडविचेस में इसे यूज कर रहे हैं। और ये नायलन शेव है कुछ, ये हम यूज करने वाले हैं आज की रेसिपी में। तो यहाँ मैंने चार ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और इनके ऊपर अब मैं लगाने वाली हूँ बटर। तो बटर आपने फ्रिज में से पहले ही बाहर निकाल के रखना है ताकि वो इजीली ब्रेड के ऊपर लग जाए। तो सारे स्लाइसेस पे मैं इस तरह से बटर लगा लेती हूँ। तो यहाँ सारे स्लाइसेस पे मैंने बटर लगा लिया है। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि सबसे पहले सैंडविच बनाते टाइम हमने इसके ऊपर बटर ही लगाना है, उसके बाद हम इसके ऊपर हरी चटनी लगाएंगे। क्योंकि अगर हम पहले हरी चटनी इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे तो हमारा ब्रेड जो है वो सॉगी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे ताकि बटर की वजह से जो है ब्रेड अच्छे से रहता है। तो सारे पीसेस पे मैं इस तरह से हरी चटनी को स्प्रेड कर लेती हूँ। तो यहाँ सारे पीसेस पे हमने चटनी लगा ली है। तो अब हम ये जो हमने पापड़ी ली हुई है ये हम इसके ऊपर सेट कर देंगे हमारे ब्रेड के ऊपर। तो हम हर पीस के ऊपर दो रख रहे हैं, चार रख रहे हैं पापड़ी के स्लाइसेस। ये हमारा ऊपर का है कवर है तो हम सिर्फ इसी के ऊपर सेट करेंगे। तो इस तरह से मैं पापड़ियां रख लेती हूँ और इसके ऊपर अब हम जैसे हम शेवपुरी बनाते हैं सेम उसी तरह से हमने करना है। तो सबसे पहले हम इनके ऊपर आलू डाल लेते हैं। तो यहां मैंने सारी पूरियों के ऊपर आलू डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे टमाटर। तो थोड़े थोड़े टमाटर हम हर जगह इस तरह से डाल देते हैं। तो यहाँ हमारे टमाटर भी डल चुके हैं। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे प्याज। यहाँ प्याज हमारे डल चुके हैं तो अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम कुकुम्बर भी डाल देते हैं। कुकुम्बर डालने के बाद हम इसके ऊपर अब डाल रहे हैं शिमला मिर्च। थोड़ी थोड़ी डालेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ हमारे सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमने डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे लाल चटनी जो हमने बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स ये चटनी जो है ये ज्यादा तीखी नहीं है, इसे हमने कश्मीरी रेड चिली डाल के बनाया है सिर्फ इसे रेड कलर देने के लिए। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ हम केचप का यूज नहीं कर रहे हैं, हम ये होममेड जो रेड चटनी है इसी का यूज कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अब हम डाल देंगे खजूर इमली की चटनी। इस तरह से हम इसके ऊपर पूरा स्प्रिंकल कर देते हैं। तो आपको जो है सैंडविच में शेवपुरी का मजा मिलने वाला है। तो ये सारी चटनी मैं डाल देती हूँ और अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, इसे भी हम स्प्रिंकल कर देते हैं। और इसके ऊपर अब डालेंगे हम नायलॉन शेव। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से डाल दीजिए ताकि जब हम खाएंगे तो अंदर से वो क्रिस्पी और क्रंची फील आएगी। तो ये मैं डाल देती हूँ। और फाइनली अब इसके ऊपर हम डालने वाले हैं हरा धनिया। तो यहाँ मैं चॉप किया हुआ हरा धनिया भी इसके ऊपर डाल देती हूँ। थोड़ा सा हम इसे प्रेस कर लेते हैं ताकि हमारी चीजें इसके ऊपर से गिरे नहीं। तो इस तरह से ये हरा धनिया भी चला गया इसके ऊपर, इसे भी थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ। और इसके ऊपर भी हम हरा धनिया डाल देते हैं। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज, इसे हम ग्रेट करके डाल देते हैं। तो हमारे जो सैंडविच है अब बिल्कुल रेडी है। तो इसके ऊपर अब हम ये जो स्लाइस हमने दूसरा रखा है बटर और चटनी लगा के, इसे इसके ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा हम इसे हाथों से प्रेस कर लेते हैं।
इसी तरह से मैं दूसरा स्लाइस भी इसके ऊपर रख के इसे प्रेस कर लेती हूँ। यहाँ ये दोनों सैंडविच जो हैं रेडी हैं सिकने के लिए। तो एक को हम बनाएंगे गैस टोस्टर पे और दूसरे को हम तवे के ऊपर सेकने वाले हैं। तो चलिए इन्हें हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने सैंडविच को सेकना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बटर अप्लाई कर लेंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया और टोस्टर को गैस पे रख दिया है। तो इसके ऊपर अब हम रख देंगे अपना सैंडविच जो हमने बना के रखा है इस तरह से, और इसके ऊपर फिर से हम बटर अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो सैंडविच है ऊपर से भी अच्छा क्रिस्पी बने। तो अच्छे से बटर लगा के इसे हम बंद कर देंगे और फिर हम इसका टोस्ट बनाएंगे। तो इसे अब मैं कर देती हूँ बंद। तो टोस्टर को मैंने बंद कर दिया है और फ्लेम जो है अब हम हाई स्पीड पे कर देते हैं और अपने टोस्टर को दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन होने तक सेक ले टर्न कर देती हूँ और दूसरे साइड भी हम इसे बना लेते हैं। तो इसी तरह से टर्न कर करके हमने अपने टोस्टर को तैयार कर लेना। तो इसे अब मैं गैस पे से नीचे उतार देती हूँ, गैस को कर देती हूँ बंद और आपको फिर दिखाती हूँ कि ये कैसे बना है। तो अब हम इसे तवे पे बनाते हैं। तो तवे पे बनाने के लिए भी हम पहले तवे पे थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं। तवा हमारा हो चुका है गरम, तो अब हम इसके ऊपर हमारा जो सैंडविच हमने रेडी किया है वो रखेंगे। तो इस तरह से मैं इसे इसके ऊपर रख देती हूँ। थोड़ा सा हम इसे प्रेस कर लेते हैं और साथ ही में इसके ऊपर भी थोड़ा बटर लगा लेते हैं, क्योंकि जब हम इसे टर्न करेंगे दूसरी टाइप दूसरी तरफ पकने के लिए तो ये भी क्रिस्पी बने। तो एक तरफ हम इसे सिकने देते हैं। तो यहाँ इसे एक मिनट हो चुका है, तो इसे अब हम एक बार टर्न कर लेते हैं और इसे हम अब प्रेस करके बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसे ऊपर से प्रेस कर रही हूँ इस तरह से, ताकि ये नीचे से अच्छा क्रिस्पी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये दूसरी तरफ से भी अच्छा सिक गया है, तो इसे फिर से हम एक बार टर्न कर लेते हैं और देख लेते हैं ये कैसे बना है। तो इसी तरह से दोनों तरफ से इन्हें अच्छे से हम सेक लेंगे और फिर इसे मैं उतार लूंगी तवे से नीचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा जो सैंडविच है बिल्कुल रेडी है। तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसे मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और फिर इसके पीसेस करके हम इसे सर्व करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे सर्व करते हैं। तो यहाँ हमारे शेवपुरी सैंडविच बिल्कुल रेडी है बनके। मैंने इनकी प्लेटिंग कर दी है और जो हमने टोस्टर में बनाए थे वो मैंने इस तरह हाफ से कट किए हैं, और ये जो हमने तवे पे बनाए हैं उसके मैंने 4 पीसेस बनाए हैं और उसके ऊपर मैंने हरी चटनी लगा के साथ में उसके ऊपर शेव लगा दिए हैं। तो ये और अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, खाने में तो बहुत टेस्टी हैं ही। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और नई रेसिपीज के लिए।